हाय गाइस, माय नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैबवे। वार्डरोब हमारी एक पर्सनल स्पेस की तरह होती है जहां हम अपने क्लोज, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग चीज़ें रखते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम बस अपने क्लोज़ेट में कैजुअली रख लें तो हमें वही क्लोज़ेट छोटी लगने लगती है, क्लटर्ड लगती है एंड वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर स्पेस। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में क्या मिस्टेक की है सो दैट हम उसी स्पेस में मैक्सिमम स्टफ ऑर्गेनाइज कर पाएँ। लेट्स टॉक अबाउट सम वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग विजुअल क्लटर। हम लोग जनरली अपने रेगुलरली यूज होने वाले आइटम्स को यही प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं जिससे हमारी पूरी वार्डरोब अनऑर्गेनाइज लगती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को उनकी प्लेस पे ही रखिए और बाकी आइटम्स के लिए आप इस तरह का एक हैंगिंग हुक यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, इट विल हार्डली टेक एनी स्पेस एंड उसके बाद आप अपना सामान इसके ऊपर अरेंज कर सकते हैं। ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, इस पे किसी भी आइटम को हैंग करना या वापस पिक करना कन्वीनियंट हो जाता है। इट्स अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनाइजर। सेकेंड ऑप्शन है ये एडहेसिव हुक बार। सिर्फ आपको बैक साइड से इसकी स्ट्रिप रिमूव करनी है एंड यू आर गुड टू गो। इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, ये इजीली अप टू 3 kgs वेट होल्ड कर सकता है। इस पे भी आप मल्टीपल चीजें हैंग कर सकते हैं। इसको यूज करके सारे आइटम्स भी प्रॉपरली विजिबल रहते हैं एंड आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज लगती है। एंड नाउ योर प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली क्लीन। सेकेंड मिस्टेक इज यूजिंग द रॉन्ग हैंगर। मैंने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में वैरायटी ऑफ हैंगर्स और उनके यूजेस शेयर करे हैं एंड यू नो हाउ स्पेस सेविंग दे आर। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन टॉप्स और शर्ट्स के बारे में जो अपने फैब्रिक या डिज़ाइन की वजह से हमेशा इस तरह से हैंगर से स्लाइड होकर गिर जाते हैं। इससे नेचुरली हमारी वार्डरोब मेसी लगती है। सो इन टॉप्स के लिए इस तरह के स्मूथ एंड्स वाले हैंगर को यूज करना अवॉइड करें। ऐसे क्लोथ्स के लिए जनरली वेलवेट हैंगर्स यूज किए जाते हैं बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आज हम कुछ DIY करेंगे। इन टॉप्स के लिए हम इस तरह का फ्लैट हैंगर यूज करेंगे। इनके एंड्स काफी स्लिम होते हैं। उसके बाद आपको चाहिए सिर्फ एक वेलवेट शीट जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। अब हम इसको रिक्वायर्ड साइज में कट कर लेंगे। हेयर आर 2 pieces फॉर ईच एंड। अब बस हमें ग्लूगन यूज करके इस शीट को हैंगर पे स्टिक करना है। ये बहुत ही इजी DIY है और ये आपका पर्पस 100% सॉल्व करेगा। And you're done. Your anti-skid hangers are ready. अब आप चाहे अपने टॉप्स को कितना ही मूव करें, they will not fall. Next mistake is buying the wrong organizer. मार्केट में इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पर्पस सॉल्व करें। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजर को परचेज करने से पहले ज़रूर जज करें कि क्या वो एक्चुअल में यूजफुल है। लेट मी शेयर 2 examples विद यू। फर्स्ट इज दिस वेरी पॉपुलर टी शर्ट ऑर्गेनाइजर। इसमें आप हर बोर्ड में एक टी शर्ट प्लेस कर सकते हैं बट मैंने इसमें कुछ इश्यूज फेस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर स्मॉल साइज टी शर्ट्स तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बट नॉट लार्ज टी शर्ट्स। इसमें लार्ज टी शर्ट्स फिट नहीं होती, दे रादर लुक मेसियर। देन इसमें से कोई भी टी शर्ट निकालना तो ईजी है पर कोई टी शर्ट वापस रखना उतना ईजी नहीं है। यू माइट हैव टू स्ट्रगल एंड रीअरेंज ऑल द बोर्ड्स। सो एज पर मी दिस इज नॉट अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजर। देन ये भी एक काफ़ी पॉपुलर वार्डरोब ऑर्गेनाइजर है। इसके अंदर मेरे हस्बैंड की सभी टी शर्ट्स ऑर्गेनाइज हैं। इसको हम ऑलमोस्ट 2 years से यूज़ कर रहे हैं एंड द ओनली इशू इज़ कि कुछ टाइम बाद इसके शेल्फ इस तरह से बेंड हो जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट लुक नाइस एंड सेकेंडली इससे हमारे आयरन क्लोथ्स भी रिंकल्ड हो जाते हैं। राधा, आप अपनी टी शर्ट्स को फोल्ड करके फाइल सिस्टम फॉलो कर सकते हैं या फिर उनको हैंग भी कर सकते हैं। आई फाइंड इट मोस्ट कन्वीनियंट। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस ऑर्गेनाइजर। ये एक पैंट्स हैंगर है जिसके अंदर आप एक साथ 5 पैंट्स को हैंग कर सकते हैं। ये स्मार्टली डिजाइन है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 5 पैंट्स का वेट ले सके। सो इट्स नॉट गुड फॉर पैंट्स बट एक चीज के लिए इट्स परफेक्ट। दुपट्टास, आप एक ही हैंगर पे 5 दुपट्टास हैंग कर सकते हैं और ये आपकी वार्डरोब में बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब भी आपको कोई दुपट्टा चाहिए हो तो सिर्फ इसको एक्सपैंड कर लें और रॉड को पुल करके दुपट्टा निकाल लें। इस पे वापस दुपट्टा हैंग करना भी उतना ही इजी है। सिंपली अमेजिंग। नेक्स्ट मिस्टेक इज स्टॉकिंग व्हाट स्पेयर। हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि यार हमारे पास कपड़े तो बहुत हैं पर पहने इतने ही जाते हैं, या फिर यार कपड़े तो बहुत हैं लेकिन कहीं जाना होता है तो समझ नहीं आता कि क्या पहने। दैट मीन्स हमारी वार्डरोब में ऐसे बहुत सारे क्लोथ स्टॉक्ड हैं जो कि हम किसी भी रीज़न की वजह से नहीं पहनते, जैसे कि फिटिंग इश्यूज़ हैं, ऑल्ट्रेशन ड्यू है, या फिर वी आर जस्ट बोर्ड ऑफ देम। सो प्लीज़ डू अ स्मॉल टास्क। सबसे पहले आप कोई भी 2 बास्केट्स ले लीजिए। आई प्रेफर बास्केट विद लिड्स ताकि हमारे क्लोथ्स डस्ट से प्रोटेक्टेड रहें। ये बॉक्सेस काफ़ी डीप हैं और अब हम इनको लेबल कर लेंगे, 1 फॉर ऑल्ट्रेशन एंड अदर फॉर डोनेशन। देन जस्ट गो थ्रू योर वार्डरोब, जिन भी क्लोथ्स को ऑल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उनको अलग कर लें। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वार्डरोब मेस फ्री रहेगी एंड सेकेंडली ऑल्ट्रेशन के टाइम आपको सारे क्लोथ्स एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। देन आपकी वार्डरोब में जो भी ऐसे क्लोथ्स हैं जो कि गुड कंडीशन में हैं बट स्टिल आप उनको पहनना प्रेफर नहीं करते तो उनको भी अलग कर लें। वार्डरोब में वो सिर्फ आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बट बेटर है कि वो किसी नीडी के काम आए। बट डू मेक श्योर दैट दीज क्लोथ्स आर इन गुड कंडीशन एंड बोथ द बॉक्सेस आर रेडी। मैं इनको अपनी वार्डरोब में बैक साइड पर रखती हूँ। डोनेशन की बास्केट्स मैंने घर में डिफरेंट कॉर्नर्स में प्लेस की हुई हैं और जब भी वो बास्केट्स फुल हो जाती हैं तो मैं एक साथ सारा स्टफ डोनेट कर देती हूँ। नेक्स्ट मिस्टेक इज मिक्सिंग सीजनल वेयर। हम लोग अपनी वार्डरोब में थोड़े से ऑफ सीजन क्लोथ्स रखते हैं ताकि अगर सडन वेदर चेंज हो या फिर हमको कहीं ट्रैवल करना हो तो हमारे ऑफ सीजन क्लोथ्स हैंडी हो और हमको इन मोमेंट पर उन्हें बेड बॉक्स से या फिर लॉफ से ना निकालना पड़े। बट ऑफ सीजन क्लोथ्स को अपने रेगुलर क्लोथ्स के साथ मिक्स मत करिए। पहले मैं भी ये मिस्टेक करती थी बट विद टाइम मैंने रियलाइज किया कि इस तरह से ये हमारी प्राइम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो बेटर है कि हम उनको अलग कर लें और उनको भी एक सेपरेट बास्केट में स्टोर कर लें। इस बॉक्स को भी मैं अपनी वार्डरोब के बैक साइड पर प्लेस कर रही हूँ। इस तरह से ऑफ सीजन क्लोथ्स हैंडी भी रहेंगे और बाकी क्लोथ्स के साथ मिक्स भी नहीं होंगे। शेल्फ की बैक साइड ऑक्यूपाइड है और फ्रंट साइड को आप किसी भी वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपने नाइट वेयर ऑर्गेनाइज किए हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज अनथॉटफुल ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम अपनी वार्डरोब में सभी क्लोथ्स को रैंडमली हैंग कर लें तो ऑर्गेनाइज करने के बाद भी हमें हमारी वार्डरोब नीट नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी एक शॉर्ट कुर्ती है और यहाँ भी, दिस लुक्स क्वाइट अनटाइडी। देन पहले मैं अपने नाइटवेयर को फोल्ड करके अलग अलग पाइल में रखती थी बट इस तरह से वो ज़्यादा दिन ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते थे एंड पाइल्स आपस में मिक्स हो जाते थे। दिस शोज कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही इनको थॉटफुली ऑर्गेनाइज नहीं किया। इसलिए हमेशा अपने क्लोथ्स को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करें। ये है शॉर्ट कुर्तीज एंड ट्यूनिक्स, ये है दुपट्टास, प्लाजोस, ये है मेरी सारी सिंगल कुर्तीज और ये है सूट सेट्स, फाइनली ऑल टॉप्स एंड टी शर्ट्स। देन लूज डोरीज भी हमारी वार्डरोब को एक क्लटर्ड लुक देते हैं, इसलिए उनको भी हमेशा टाई करके रखें या फिर प्रॉपरली हैंग करें।
Look, 5 minutes transformation from clutter to clean. Moving to the lower shelf, piles को separated रखने के लिए ये shelf divider एक perfect solution है. अब हम बाकी shelf divider भी यहाँ place कर रहे हैं. And now look at this. अब हम इसको thoughtful organizing बोल सकते हैं. Wardrobe को visually appealing बनाने के लिए आप color coding भी follow कर सकते हैं, but I feel that it's a little difficult to maintain. Also, similar hangers use करने से भी हमारी wardrobe ज़्यादा organized लगती है, but I'll recommend कि सारे पुराने hangers को एक साथ discard ना करके हम उनको gradually change करें. Final mistake is having messed up drawers. ड्रॉर्स में हम अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, बट मोस्टली यही सबसे ज़्यादा क्लटर्ड होते हैं. सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये इंडिविजुअल ज्वेलरी के केस एंड पाउच. इसलिए सबसे पहले मैं इनको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ. सारी ज्वेलरी को एक साथ स्टोर करने के लिए बेटर है कि आप एक बॉक्स यूज़ करें. इस बॉक्स में 3 ट्रेज हैं एंड नीचे बैंगल्स को स्टोर करने के लिए भी स्पेस है. उन सभी केस एंड पाउच की ज्वेलरी मैंने इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर ली है. इसको यूज़ करके ज्वेलरी भी प्रॉपरली विजिबल है एंड सेकेंडली ये हमारे ड्रॉअर में बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इनको मैं अपने बाकी बैंगल्स के साथ रख रही हूँ. अब हम बाकी आइटम्स को भी उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पर रख देंगे सो दैट आवर ड्रॉअर्स आर क्लटर फ्री. And there you go. Everything is clean and neatly organized. लास्ट फ्यू वीक्स में मैंने ये सभी सूट सेट्स और ज्वेलरी मीशो से परचेज की थी. ये सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हैं. फर्स्ट है ये पिंक कॉटन कुर्ता विच लुक्स रियली एलिगेंट. देन अगर आपको इंडिगो प्रिंट्स पसंद है देन दिस शॉर्ट कुर्ता एंड प्लाजो सेट इज़ अ मस्ट बाय. परफेक्ट फॉर समर्स ये है कॉटन कुर्ता एंड पैंट सेट. अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा. मैंने एक ये शॉर्ट कुर्ती भी परचेज की थी. इट लुक्स रियली प्रिटी. देन ये है एक कॉटन नाइट सूट. गॉर्जियस एंड सो कंफर्टेबल. साथ ही में मैंने बैंगल्स के ये 2 पेयर्स परचेज किए थे. दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. अगर आप भी इनमें से कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आपको पहले मीशो का ऐप डाउनलोड करना होगा. सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. मीशो इज इंडियाज फेवरेट ऐप टू बाय टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोएस्ट एवर प्राइसेस. ट्रस्टेड बाय 1 करोड़ प्लस यूजर्स अक्रॉस इंडिया. चूज फ्रॉम 50 लाख प्लस प्रोडक्ट्स अक्रॉस वुमेन्स एंड मेन्स फैशन, किड्स वेयर, होम एंड किचन एंड मेनी मोर. जो भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल पिक्चर्स देख सकते हैं एंड रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं. जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहते हैं उसको अपने कार्ट में ऐड कर लीजिए, अपना एड्रेस मेंशन कीजिए, अपना कन्वीनियंट पेमेंट ऑप्शन चूज कीजिए, प्लेस योर ऑर्डर एंड इट्स डन. Also guys, Maha Indian Price Drop Sale is coming on Meesho on 12th August. You get up to 70% discount on products. So you can go and buy your favorite products from Meesho. So guys, that's it for today. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. इनमें से सबसे यूजफुल टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे. बाय.